So hi guys and welcome to today's video in which we're going to discuss our remaining chapter number 13 which is sound of universal science class 8. So now let's start reading it. तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. अभी आपने मतलब कई बार सुना होगा कि आपकी जो अपनी ही वॉइस है वो मतलब कई बार रिपीट होती है जब भी आप किसी खाली रूम में एम्प्टी रूम में होते हो. अभी सेम फिनोमिना आता है अंडरटेक होता है जब आप किसी भी माउंटेन वगैरह वैलीज वगैरह में होते हो. अगर आप बोलोगे तो आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा इको होगी, है ना, बार बार रिपीट होती है. तो इसी रिपीटेशन ऑफ साउंड को हम लोग बोलते हैं इको. क्या बोलते हैं कि जब भी आपकी साउंड बार बार रिपीट होती है उसको हम लोग इको बोलते हैं. अभी जब जो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स हमने पढ़ा था कि साउंड वेव्स क्या होती है. अभी जो साउंड वेव्स है वो एक ऑब्स्टेकल को मतलब अगर कोई चीज़ बीच में आ गई उसको हिट करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है जो साउंड वेव्स हैं. ठीक है, इसी से क्या बनती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बनती है एंड वॉइस एको हो जाती है. इसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं. अभी जो फिनोमिना है एको का, ये कब होता है, ये साउंड वेव्स की वजह से. द फिनोमिना ऑफ एको अकर्स ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, कि जब भी साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं तभी एको बनती है. एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट एन एको कैन बी हर्ड ओनली व्हेन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज अबाउट 17 meters. कि जो एको है वो सिर्फ तभी सुनी जा सकती है जब आपका जो ऑब्स्टेकल है एंड सोर्स ऑफ साउंड है. फॉर एग्जाम्पल ले लो कि आप बोल रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी बोल रहे हो या फिर चिल्ला रहे हो. अभी किसी भी अगर ऑब्स्टेकल से वॉइस को रिपीट होना होगा या फिर वॉइस को एको होना होगा तो सोर्स जो आप बोल रहे हो एंड जो आपका ऑब्स्टेकल है उसके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 17 meters का डिस्टेंस होना चाहिए. अगर उससे ज़्यादा हुआ तो वॉइस एको नहीं होगी या फिर साउंड जो है रिफ्लेक्ट नहीं होगी. अभी कई बार क्या होता है, समटाइम्स ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम वेरियस रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस एंड एको इज हर्ड मल्टीपल टाइम्स. अभी कई बार क्या होता है, अगर आप बोलते हो एंड बहुत सारे ऑब्स्टेकल से एक साथ वॉइस एको हो जाती है, इसलिए बहुत सारे एकोज जो है आपको एक ही बार में सुनाई देते हैं. तो इन बहुत सारे एकोज को जब एक ही बार पे वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, एक ही बार को सुनाई देते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रेवरबरेशन. सो द मल्टीपल एकोज आर कॉल्ड रेवरबरेशंस. अभी यहाँ पे गेट इट राइट में क्या लिखा हुआ है कि एन अकर्स ड्यू टू सिग्नल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वरियस और वन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस. अभी जो एको है, एको में क्या होता है, देखिए एको में सिर्फ एक ही साउंड सुनाई देती है. ठीक है, एको में सिर्फ एक ही साउंड सुनाई देती है जो एक ही सर्फेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई है. बट रेवरबरेशंस में क्या होता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग ऑब्स्टेकल से साउंड रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देती है. अभी रेवरबरेशंस कॉज डिस्टर्बेंस. एको मतलब बियरेबल होती है बट जो रेवरबरेशन है वो डिस्टर्बेंस कॉज करती है, इसलिए उसको अनडिजायरेबल बोला जाता है एंड उसको घटाया जाना चाहिए. अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है अब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड. अब जो मिरर्स है, पॉलिश स्मूथ सर्फेसेस हैं जहाँ पे कोई भी मतलब ऐसे ऑब्स्टेकल्स वगैरह नहीं आते हैं, या फिर मेटल सर्फेसेस हो गए या फिर हार्ड ऑब्जेक्ट्स हो गए जिस पे खुरदड़ापन वगैरह नहीं होता है, माउंटेन रॉक्स बिल्डिंग्स कैन रिफ्लेक्ट साउंड. अभी ये जो सारे जो मेटल सर्फेसेस हैं ये क्या हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं साउंड को. बट कई मतलब ऐसे भी है मटेरियल्स जो साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं करते एंड अब्जॉर्ब कर लेते हैं साउंड को. यस, वो साउंड को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कर्टेंस की, पर्दों की बात करें, ठीक है, जो भी बोरियां वगैरह होती है, गनिंग बैग्स वगैरह होते हैं, एस्बेस्टोस विच ऑब्जॉर्ब साउंड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, जो साउंड को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं. अभी जो ये साउंड ऑब्जॉर्बिंग मटीरियल्स होते हैं जो यूजली कहाँ पर यूज़ होते हैं, जो थिएटर्स वगैरह होते हैं ताकि वो इस एको ना हो, या फिर ऑडिटोरियम्स में यूज़ होते हैं, या फिर जो कार इंटीरियर्स होते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा हॉकिंग वगैरह होती है ताकि वो अंदर ना आए जो भी साउंड होती है बाहर की. ठीक है, इसीलिए जो वॉइस अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं. साउंड अब्जॉर्बर्स आर ऑल्सो यूज टू कवर द वॉल्स ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियोज फॉर सिमिलर रीजंस. अभी साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में क्यों लगाए जाते हैं कॉटन्स वगैरह, ठीक है, ये सारे जो साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स होते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप ये तो नहीं चाहोगे कि आपकी वॉइस बार बार एको हो. ठीक है, इसीलिए इफ एको और रेवरबरेशन इज़ नॉट अवॉइडेड देयर विल बी ओवरलैपिंग ऑफ साउंड विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल. अभी अगर एको एंड रेवरबरेशन को रोका नहीं गया, ये जो वॉइस अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स है ये नहीं लगाए गए, तो ये मतलब वॉइस जो है आपकी ओवरलैप कर जाएगी, किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आएगा. अभी जो लार्ज हॉल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर क्या लगाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पर्दे लगाए जाते हैं, कारपेट्स
मैट्स वगैरह लगाए जाते हैं एंड फॉल्स सीलिंग विद पॉलिस्ट्रीन। पॉलिस्ट्रीन क्या करती है, ये भी एक साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल है, ये भी साउंड को ऑब्जर्व कर लेती है। तो लार्ज हॉल्स में ये लगाए जाते हैं ताकि एको को या फिर रेबरब्रेशन को रोका जा सके। अभी देखो ये तो हो गई एकोस को रोकने की बात, अभी एको के कई यूजेस भी हैं, ठीक है। एको किस में यूज़ होती है, एक टेक्निक होती है सोनार टेक्निक। सोनार टेक्निक का फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग फॉर वेरियस पर्पजेज। तो एको को सोनार टेक्निक में यूज़ किया जाता है। अभी सोनार टेक्निक किसके लिए यूज़ होती है, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि जो डेप्थ है सीज या फिर ओशंस की, मतलब सीज या फिर ओशंस की जो सरफेस है वो कितनी गहराई पे है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए यूज़ होती है सोनार टेक्निक। फिर जो सेकेंड यूज़ है वो क्या है कि किसी भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने में या फिर शिपरेक्स को, जो भी डूबी हुई शिप्स वगैरह होती है, सबमरीन्स वगैरह होती हैं, उनको लोकेट करने में यूज़ होती है सोनार टेक्निक। अभी जो ये वर्किंग है सोनार टेक्निक की, वो किस फैक्ट पे बेस्ड है कि अल्ट्रासोनिक या फिर साउंड को रिफ्लेक्ट होने में कितना टाइम लगता है, कि पहले तो सोर्स ऑफ साउंड से क्या होगी, साउंड रिलीज होगी, देन ऑब्स्टेकल से आकर वापस आएगी, तो उसमें कितना टाइम लिया है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड ऑफ एन ऑब्स्टेकल टू एन ऑब्स्टेकल इज इक्वल टू द टेकन बाय द रिफ्लेक्टेड साउंड एको फ्रॉम द ऑब्स्टेकल टू द सोर्स ऑफ साउंड। के यहाँ पे क्या हो रही है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये यहाँ पे सोनार टेक्निक यूज़ हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, शिप से क्या है, साउंड सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं जो नीचे जा रहे हैं, ठीक है, इंसिडेंट अल्ट्रासाउंड पल्स। अभी फिर क्या हो रही है, इंसिडेंट मतलब जहाँ से अकर होती है साउंड वेव, से क्या होता है, बॉटम ऑफ सी के जो सरफेस है सी का, जैसे हमने पढ़ा था कि सोनार टेक्निक इसके लिए यूज़ होती है समुद्र की गहराई को नापने के लिए। अभी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के या फिर समुद्र की सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक पल्स कहाँ पे जाती है, वापस शिप में चली जाती है, ठीक है। अभी ये जो मतलब दोनों प्रोसेस में टाइम लगता है ऊपर जाने में एंड साउंड के नीचे आने में, इसको हम लोग यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्स्टेकल, सोर्स ऑफ साउंड शिप एंड द ऑब्स्टेकल विच इज़ द सर्फेस ऑफ द ओशन, ठीक है। अभी जो कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे जो एको है वो मतलब डिज़ायरेबल होती है, वहाँ पे मतलब एको अच्छी लगती है। क्यों, क्योंकि अभी देखो मतलब म्यूज़िक बज रहा है, इमेजिन करो कि म्यूज़िक बज रहा है, ठीक है। अभी ऐसा तो नहीं चाहोगे कि आप म्यूज़िक बज रहा हो, जब ही सॉन्ग एंड हो गया तो एकदम से म्यूज़िक बंद हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होता है ना, जब बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल्स में बजाए जाते हैं गाने, तो जब गाना एंड होता है, अभी एको तो देखो मल्टीपल टाइम सुनाई देती है ना, तो इसीलिए गाना बंद होने के बाद भी थोड़ी सी देर बाद भी गाना मतलब धीमे धीमे चलता जाता है एंड फिर स्मूदली एंड होता है, इसीलिए वहाँ पे मतलब प्लेजेंट लगता है हमारे कानों को एको को सुनना, ठीक है। अभी जो बैट्स होते हैं वो कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, बैट्स यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ एको लोकेशन टू अवॉइड हिटिंग अगेंस्ट ऑब्स्टेकल्स इन देयर पार्ट, दे इमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स विच आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स एंड हेल्प देम टू अवॉइड ऑब्स्टेकल्स। अभी जो बैट्स है वो कैसे यूज़ करते हैं ये टेक्निक, जो एको लोकेशन की टेक्निक, वो एको लोकेशन यूज़ करते हैं। अभी इसमें क्या होता है, जो बैट्स है ना वो अल्ट्रासाउंड्स रिलीज़ करते हैं, वो साउंड रिलीज़ करते हैं। अभी उनकी जो आईसाइट होती है वो कमज़ोर होती है एंड अभी कोई भी ऑब्स्टेकल होगा, ठीक है, ऑब्स्टेकल होगा तो उससे हिट करके वापस आएंगे ना साउंड वेव्स, तो वो उन साउंड वेव्स को फील करते हैं एंड वो ये लोकेट कर लेते हैं कि ऑब्स्टेकल कहाँ पे है, हमें कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ पे जाना है। ओके, अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अभी हमारा अगला है रन थ्रू। अभी इसमें मतलब आपको थोड़ा सा रिकैप सा दिया गया है कि जो साउंड है उसे हमेशा एक मीडियम चाहिए, हमेशा एक मटेरियल चाहिए फॉर इट्स प्रोपगेशन। देन द नेक्स्ट वन इज़ कि जो ईयर है हमें इनेबल करता है साउंड्स को हियर करने में, एंड जो थ्री पार्ट्स है ईयर के वो कौन से, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। देन थर्ड पॉइंट कि द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ मीडियम, जैसे कि हमने पढ़ा था कि नेचर एंड टेम्परेचर से भी डिफर करता है जो स्पीड है साउंड का। देन जो एको है वो क्या है, वो एक साउंड वेव है जो बहुत बार रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। दिस इज़ ट्रैक योर प्रोग्रेस, ये आपको खुद करना पड़ेगा एंड I hope that you have understood this chapter, तो आप इसको अपने आप कर सकते हो। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं साउंड प्रोड्यूस बाय वर्सेस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, की जो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अभी आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में तो सुना ही होगा, ऑब्वियसली कुछ ने प्ले भी किए होंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो इनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स के ऊपर इनको मतलब
थ्री पार्ट्स, थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, विच आर स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, तार वाले इंस्ट्रूमेंट्स, विंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रकशन इंस्ट्रूमेंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स. स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स देखिए क्या होते हैं. द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज गिटार, सितार, वीणा, हार्प, संतूर, एकतारा आर स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट. कि ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, गिटार, सितार, वीणा, हार्प, संतूर एंड एकतारा, ये सारे क्या है, तार वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. एंड द साउंड इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाई वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स. कि जो साउंड है इन इंस्ट्रूमेंट्स में, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग तार के, जब भी आप तार को प्लग करते हो तो उससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, एंड वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है एंड म्यूजिक प्रोड्यूस होता है. अ टाउट स्ट्रिंग विच वाइब्रेट्स व्हेन प्लग्ड, स्ट्रक और प्लेड विद बो प्रोड्यूसेस साउंड. अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि जब आप तार को प्लग करते हो तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है. अभी जो पिच है साउंड की, वो कैसे बदली जा सकती है, जो लेंथ है, ठीक है, स्ट्रेच करने वाली तार की जो लेंथ है, अगर वो लंबी होगी तो वो मतलब थोड़ी सी ज़्यादा लो पिच वाली वॉइस प्रोड्यूस करेगी, एंड अगर जो तार है वो शॉर्ट होगा तो क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस अ हाई पिच साउंड. अभी विंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. विंड इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, बांसुरी हो गए, ठीक है, शहनाई हो गई, ट्रम्पेट, सैक्सोफोन हो गए, ये सारे क्या है, विंड इंस्ट्रूमेंट्स है या फिर विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं. अभी इनमें क्या होता है, जो साउंड है कहाँ से प्रोड्यूस होती है, एक वाइब्रेटिंग कॉलम से प्रोड्यूस होती है. कॉलम मतलब आप लोग इसको एक होल बोल सकते हो, बांसुरी में होल होते हैं ना कई सारे, तो उधर से क्या निकलती है, साउंड निकलती है, वाइब्रेशंस निकलती हैं, म्यूजिक निकलता है. दे आर बेसिकली हॉलो स्ट्रेट और कॉइल्ड पाइप्स विद सम होल्स. हॉलो स्ट्रेट मतलब कि ऐसे करके स्ट्रेट होती है या फिर कॉइल्ड होती है, मुड़ी भी होती हैं, ठीक है, जैसे सैक्सोफोन वगैरह मुड़े होते हैं. तो इनमें काफ़ी सारे होल्स होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन एडजस्टेड बाय द वेरिंग लेंथ ऑफ एयर कॉलम. के छेद मतलब कितने बड़े होंगे, कितने छोटे होंगे, उससे क्या है, एयर कॉलम की मतलब होल्स की ही लंबाई या फिर चौड़ाई को छोटा या फिर बड़ा करके वेरिंग पिच के साउंड्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है. द नेक्स्ट वन इज परकशन ऑफ मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स. तो अभी ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज तबला, ढोलक, ठीक है, मरिंदगम, बोंगो एंड ड्रम, ये सब क्या है, प्रकशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. अभी आप ये ही मान लो, जैसे तबला वगैरह वाले, ड्रम वगैरह वाले जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, प्रकशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. इनमें क्या होता है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है जो स्प्रेड किया हुआ होता है. अभी ड्रम को ले लो, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, एक सरफेस होता है, उसको स्ट्रेच किया जाता है एंड साइड में उसको मतलब ऐसे करके सी दिया जाता है ना, जब आप उसको स्ट्राइक करते हो तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है एंड साउंड प्रोड्यूस करता है. द बॉडी ऑफ दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ वुड, मेटल और क्ले. ओके, सो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन. कि हम ह्यूमंस कैसे बोलते हैं, हाउ डू वी प्रोड्यूस साउंड्स. तो क्या होता है, प्लेस योर फिंगर्स ऑन योर थ्रोट एंड स्पीक योर नेम. डू यू फील वाइब्रेशन इन थ्रोट. अभी ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको क्या करना है, चाहे अभी करके देख लो, सिंपल सा है कि अपनी जो दोनों फिंगर्स है ना, उसको क्या करना है, आपको अपनी थ्रोट पे रखना है, अपने गले पे रखना है, एंड जब भी आप बोलोगे कोई भी या फिर अपना नाम बोलो, अभी आपको अपने गले में वाइब्रेशंस फील होती है ना, तो ये जो वाइब्रेशंस हैं ये किससे प्रोड्यूस होती हैं, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द साउंड वी मेक. कि जब भी हम बोलते हैं हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उससे वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं. एंड ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो साउंड है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, लैरिंग्स, ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स. एंड हमारे ह्यूमंस में कहाँ से प्रोड्यूस होती है वॉइस, फ्रॉम लैरिंग्स, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोल देते हैं. इट इज़ लोकेटेड एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप ऑफ ट्राकिया. विंड पाइप और ट्राकिया के बारे में तो आपने पढ़ा ही है, ठीक है, तो अपर एंड मतलब जो उसका सबसे ऊपरी भाग होता है वहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स लोकेटेड होता है. द साउंड प्रोड्यूस्ड इज कंट्रोल्ड बाय टू थिन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स नोन एज वोकल कॉर्ड्स. कि ये जो हमारी वॉइस है ये किससे कंट्रोल की जाती है, ये जो साउंड है वो किससे कंट्रोल की जाती है, टू थिन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स, जिसको हम लोग वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लैरिंग्स, जो लैरिंग्स पे होती हैं. अभी ये जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, दे हैव अ नैरो स्लिट थ्रू विच एयर इज ब्लोन इन एंड आउट. स्लिट थ्रू मतलब ये इनके बीच में थोड़ी सी जगह होती है जहाँ से जो एयर है या फिर जो भी हम लोग ब्रेथ करते हैं वो बाहर जाती है एंड अंदर आती है. अभी जब हम लोग बोल रहे हैं, जो हमारे लंग्स से एयर है वो बाहर जा रही है, ठीक है, इस पुश्ड अप थ्रू द ट्राकिया टू द लैरिंग्स. के ट्राकिया लैरिंग्स तक पहुंचाता है. एंड व्हेन दिस एयर पासेस थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स बिगिन टू वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड. अभी ये जब ही ब्रेथ पास कर रही है, ठीक है,
मतलब स्लिट जो भी ओपनिंग है वो उसके थ्रू एयर पास कर रही है, तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स है वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है, एंड ऑब्वियसली वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। अभी द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन द स्लिट कैन बी चेंज्ड बाय वेरिंग द थिकनेस ऑफ वोकल कॉर्ड्स। अभी जो लेंथ है एयर कॉलम की या फिर जो भी स्लिट ओपनिंग होती है, ठीक है, इनके बीच वो किससे हो सकती है, कैन बी चेंज बाय वेरिंग द थिकनेस ऑफ वोकल कॉर्ड्स, के वोकल कॉर्ड्स जो है वो कितनी मोटी है या फिर कितनी पतली हैं, उससे जो एयर कॉलम की या फिर जो स्प्लिट की ओपनिंग है उसकी लेंथ डिफाइन हो सकती है या फिर वेरिंग पिच हो सकती है। द साउंड प्रोड्यूस्ड इज ऑफ डिफरेंट पिचेस, कि जो भी साउंड प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग पिचेस की होती है। अभी अगर हम लोग बात करें ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स की, तो बेसिकली हमने सुना है, ठीक है, दैट साउंड वेव कैन बी ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी एट विच इट वाइब्रेट्स, कि जो साउंड है वो मतलब काफ़ी सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की हो सकती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है कि उसका सोर्स कितना वाइब्रेट करता है। हाउ एवर ओनली स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड वेव्स कैन बी परसीव्ड बाय ह्यूमन ईयर। अभी क्या होता है ना, देखो हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो सिर्फ कुछ जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं कि इस फ्रीक्वेंसी से लेके इस फ्रीक्वेंसी तक ही जो है हमारा ह्यूमन ईयर होता है वो हियर कर सकता है साउंड्स को, जो 20 Hz, 20 Hz and 20,000 Hz के बीच में होती है, वही हमारा ह्यूमन ईयर हियर कर सकता है फ्रीक्वेंसी की साउंड्स। एंड इन साउंड वेव्स को हम लोग बोलते हैं ऑडिबल साउंड्स, जो हमारे कान सुन सकते हैं। द साउंड वेव्स दैट कैन बी परसीव्ड बाय ह्यूमन ईयर्स आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड्स, एंड जो साउंड्स हम लोग नहीं सुन सकते या फिर हमारे ह्यूमन ईयर्स परसीव नहीं कर सकते उसको हम लोग बोलते हैं इनऑडिबल साउंड्स, ठीक है। अभी जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर है वो कहाँ से लेके कहाँ तक जो फ्रीक्वेंसी की साउंड है वो हियर कर सकता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 Hz and 20,000 Hz। द साउंड विद इन द फ्रीक्वेंसी रेंज इट इज़ कॉल्ड ऑडिबल रेंज, कि इस फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में 20 Hz से लेके 20,000 Hz के बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी रेंज है उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल रेंज, एंड उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सोनिक साउंड। ऑडिबल रेंज मतलब जो हम लोग सुन सकते हैं, एंड इसको हम लोग सोनिक साउंड बोलते हैं। एंड ह्यूमंस कैन नॉट डिटेक्ट साउंड फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 Hz और ग्रेटर देन 20,000 Hz, कि हमारे जो ह्यूमन ईयर्स है वो 20 Hz से ऊपर वाले साउंड वेव्स, सॉरी 20 Hz से कम वाले साउंड वेव्स एंड 20,000 Hz से ज़्यादा वाले साउंड वेव्स नहीं सुन सकते। द ऑडिबल रेंज कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड मे रिड्यूस विद एज, कि जो ऑडिबल रेंज है ये जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी कर सकती है एज टू एज, मतलब अपनी एज के हिसाब से भी चेंज होती है, एंड पर्सन टू पर्सन मतलब अलग अलग इंसानों की अलग अलग ऑडिबल रेंज होती है। द साउंड विद फ्रीक्वेंसी बिलो 20 Hz इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड और सबसोनिक। अभी 20 Hz से या फिर 20 Hz से नीचे वाली जो साउंड रेंज होती है, फॉर एग्जाम्पल 10 Hz, आप इसको क्या बोलोगे, इंफ्रासोनिक साउंड या फिर सबसोनिक साउंड। जो मतलब कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि वेल्स, एलिफेंट्स एंड राइनोसोरस, ये इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, इसलिए हम लोग नहीं सुन सकते। इंफ्रासोनिक वेव्स आर वाइडली यूटिलाइज इन अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सिस्टम्स। अभी ये जो इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स होते हैं वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, इन अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सिस्टम्स, ठीक है, जो भी अर्थक्वेक को मॉनिटर करने वाले सिस्टम होते हैं, मशीन्स वगैरह होती हैं। अभी जो साउंड फ्रिक्वेंसी होती है 20,000 Hz या फिर 20 Hz से ज़्यादा, उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासाउंड। जो डॉल्फिन होते हैं, डॉग्स होते हैं या फिर कुछ अदर एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं या फिर इस साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं सर्टेन अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स फॉर सम पर्पसेस या फिर वेरियस पर्पसेस। फॉर एग्जांपल डॉल्फिन्स यूज अल्ट्रासाउंड टू कम्युनिकेट वन विद वन अनदर, वेयर एज बैट्स इमिट अल्ट्रासाउंड लिसन टू एकोस टू नेविगेट फाइंड फूड इन डार्क। अभी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें अल्ट्रासोनिक साउंड के यूजेस की, तो क्या होते हैं, जो डॉल्फिन्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ बात कर सकें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, एंड जो बैट्स हैं जैसे कि हमने पढ़ा था वो अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं ताकि वो लोकेशन यूज़ कर सकें, जिसको हम लोग एकोलोकेशन भी बोलते हैं, है ना। लिसन टू एकोस टू नेविगेट एंड फाइंड फूड इन द डार्क, बिकॉज वो डार्क में नहीं देख सकते। द नेक्स्ट वन इज म्यूजिक एंड नॉइज। वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज अराउंड अस, कि हम मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड सुनते हैं फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज अराउंड अस। अभी कुछ जो साउंड्स हैं
वो हमारे कानों को अच्छे लग सकते हैं। एंड जो कुछ साउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, मतलब हमें चिड़चिड़ा कर देते हैं। अभी जो साउंड प्रोड्यूस होती है प्रोड्यूस अ प्लीजिंग सेंसेशन टू द ईयर इज कॉल्ड म्यूजिक। अभी जो तो साउंड है वो हमारे ईयर को एक प्लीजिंग सेंसेशन देगी, मतलब थोड़ा सा आराम सा देगी, उसको हम लोग बोलेंगे म्यूजिक। एंड म्यूजिक और म्यूजिकल साउंड रेफर्स टू द रेगुलर पैटर्न्स ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ साउंड। अभी म्यूजिक को आप लोग क्या बोल सकते हो कि रेगुलर वाइब्रेशंस की साउंड, मतलब जो आपके कानों को नॉट एट ऑल अनप्लेजेंट लगे। अभी ये जो म्यूजिक है इसको मतलब काफ़ी सारे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से प्रोड्यूस की जाती है, जैसे कि गिटार, फ्लूट या फिर ड्रम्स। ओके, अभी जो साउंड होती है वो हमारे ईयर्स को अच्छी ना लगे एंड इरिटेशन कॉज करे हमारे ईयर्स को, चिड़चिड़ापन कॉज करे, उसको हम लोग नॉइस बोलते हैं, जिसको हम लोग शोर भी बोल सकते हैं हिंदी में। अभी जो नॉइस है रेफर्स टू द इरेगुलर एंड नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन। इरेगुलर मतलब एक पैटर्न में वाइब्रेशंस नहीं होती हैं एंड पीरियोडिक वाइब्रेशंस नहीं होती हैं। द साउंड लेवल विच इज़ कम्फर्टेबल। अभी जो साउंड लेवल होता है या फिर आप जो भी बोल सकते हो जो हमारे ईयर्स के लिए मतलब प्लीजिंग होती हैं या फिर जो हमारी ह्यूमन ईयर के लिए कंफर्टेबल होती है, वो 60-65 डेसिबल्स होती है। अभी डेसिबल देखिए क्या होता है, डेसिबल जो होता है ना साउंड की इंटेंसिटी को या फिर साउंड कितनी पावरफुल है उसको मेजर करने का एक यूनिट होता है। मतलब ये समझ लो कि जो साउंड की इंटेंसिटी होती है उसको मेजर करने का यूनिट होता है डेसिबल। और जो साउंड हमारे ईयर्स के लिए मतलब कंफर्टेबल है वो होती है 60-65 डेसिबल्स। एंड अगर कोई भी साउंड 80 डेसिबल से ज़्यादा होगी तो वो हमारे ईयर्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी। नॉइस पोल्यूशन एंड इट्स सोर्सेस, कि जो नॉइस पोल्यूशन है वो क्या होता है एंड उसके जो भी कॉजेज है, जो भी सोर्सेज है वो क्या होता है। द वर्ड नॉइस इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड नॉसिया मीनिंग सिकनेस। अभी जो ये नॉइस है वो मतलब वर्ड कैसे बना, इसको एक लैटिन वर्ड से लिया गया है नॉसिया, जिसका मतलब सिकनेस भी होता है। नॉसिया एक सिकनेस ही होती है, ठीक है। नॉइस अफेक्ट्स द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल, की जो नॉइस है वो फिजिकल मतलब फिजिकल एंड मेंटल दिमागी हेल्थ भी एंड फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट करती है। एंड अगर कंटिन्यू साउंड दैट डिस्टर्ब्स द एनवायरनमेंट इज नोन एज नॉइस पोल्यूशन, कि अगर नॉइस है वो कंटिन्यू होती जाएगी और एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस कॉज करेगी, उसको हम लोग बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन। एंड जो सोर्सेज है नॉइस पोल्यूशन के वो कौन से है, रोड ट्रैफिक हैं, ठीक है, जेट प्लेन्स होते हैं, ट्रेन्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, लाउड स्पीकर्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गए, अनट्यून्ड रेडियोज वगैरह हो गए, है ना। अनट्यून्ड रेडियोज मतलब ऐसे करके वाली आवाज़ नहीं प्रोड्यूस करते तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ईयर्स को अनप्लेजेंट लगती है। तो ये सारे क्या है, सोर्सेज हैं नॉइस पोल्यूशन के। अभी हेल्थ हजार्ड्स रिलेटेड टू नॉइस पोल्यूशन इंक्लूड पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ हियरिंग एबिलिटी, स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर, चेंज इन स्लीप पैटर्न, इरिटेशन, हेडेक, अनकॉन्शियसनेस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक इन केस ऑफ सडन एक्सपोजर टू लाउड म्यूजिक। कि जो हेल्थ हजार्ड्स हैं नॉइस पोल्यूशन के वो कौन कौन से, हेल्थ हजार्ड्स मतलब जिससे हमारी हेल्थ को हानि होगी वो कौन कौन से हैं, पार्शल मतलब आधा लॉस या फिर मतलब पूरी तरह से जो हियरिंग एबिलिटी है जिससे हम लोग नॉइस को वॉइस को सुन सकते हैं या फिर जो भी साउंड को सुन सकते हैं वो पूरी तरह से चली जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, चेंज इन स्लीप पैटर्न, नींद नहीं आ पाती है या फिर बहुत ज़्यादा नींद आती है, देन इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आ जाता है या फिर सर में दर्द होता है, अनकॉन्शियसनेस हो जाती है एंड हार्ट अटैक भी आ सकता है अगर बहुत ज़्यादा लाउड साउंड आपने अचानक ही सुन ली हो तो। अभी नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं और वो क्या है कि रिस्ट्रिक्टिंग और सेटिंग स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर ऑन वेरियस ओकेजन्स के। अभी जो शादी वगैरह होती है ना वहाँ पे कितना ज़्यादा लाउड म्यूजिक बजता है तो उसको मतलब रोकने के लिए स्ट्रिक्ट कुछ गाइडलाइंस बनाई जाएँ, या फिर जो ऑटोमोबाइल शुड हैव इफेक्टिव साइलेंसर। साइलेंसर्स क्या होते हैं, जिससे इंजन की आवाज़ कम हो जाए, ठीक है, कि ऑटोमोबाइल्स में या फिर जो भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनमें साइलेंसर्स हों जो मतलब इंजन की आवाज़ को काफ़ी हद तक कम कर दें। जो इंडस्ट्रियल मशीनरी है या फिर होम अप्लायंसेस हैं उनको भी मतलब प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए, रेगुलरली सर्विस करना चाहिए, क्योंकि अगर मशीनरी वगैरह ज़्यादा पुरानी हो जाए तो उसमें से भी साउंड आने लग जाते हैं जो ईयर्स को हार्म कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ जो नॉइस पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं, ईयर्स को हार्म कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल एरिया शुड बी लोकेटेड एट अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज़, के जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं उसका डिस्टेंस रहे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज़, रेजिडेंशियल एरियाज़ जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, एंड इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज वगैरह, बिकॉज इंडस्ट्रीज वगैरह भी साउंड
पोल्यूशन फैलाती हैं, क्रिएटिंग साइलेंस जोन्स मतलब वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री ना हो एंड व्हीकल्स भी बहुत कम आते जाते हो, ठीक है। साइलेंस जोन्स क्रिएट किए जाएँ जो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ के अराउंड। ओके, सो दिस वॉज ऑल अवर चैप्टर। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेल, एंड आई ऑल्सो होप दैट यू कैन डू द बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स बाई योर सेल्फ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।